चलिए तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कि जो हमारे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के क्या रोल्स होते हैं और हम इनको किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करते हैं, करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में या वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में, हम इसके बारे में डिटेल से प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा, लास्ट क्लास नहीं अटेंड किया है, कृपया आप पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का, रिड्यूस द नेटवर्क शोन इन फिगर इनटू अ सिंगल करंट सोर्स इन पैरेलल विद वन ऑफ द एलिमेंट। मतलब बोला गया है कि इस नेटवर्क को जो आपको गिवन है, इसको एक सिंगल करंट सोर्स के रूप में आप इसे कन्वर्ट करिए, जिसके साथ में एक एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड हो या फिर जो आपका प्रतिरोध है वो पैरेलल में कनेक्टेड हो। इस प्रकार से आपको इसे कन्वर्ट करना है। मतलब इतने सारे रेजिस्टेंस और जो आपके वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स लगे हुए हैं, इनको आप एक सिंगल करंट सोर्स के रूप में कन्वर्ट करें और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन बताया गया है, ये आपका सर्किट डायग्राम, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम था। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम में देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो हमको पता है कि यदि पैरेलल में करंट सोर्स आपस में हो, एक से अधिक करंट सोर्स हो, तो हम उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं या घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, या फिर सीरीज में हमारा कोई भी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो आपस में डायरेक्टली, तो हम उसमें जोड़ने या घटाने का काम कर सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर सीरीज में तो करंट सोर्स आ नहीं सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको करंट सोर्स में, इसको भी करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। और देखो, ये ऑलरेडी क्या है, पैरेलल में करंट सोर्स है, इसमें हम इसको भी हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो दो करंट सोर्स पैरेलल में आ जाएंगे। तो यहाँ से ऑलरेडी ये करंट सोर्स है और इसको भी हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। जब कभी वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको करंट सोर्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने सेम सर्किट, ये अगला जो आपका सर्किट है, इसका नेक्स्ट आंसर ये है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे कि जो हमें सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, आप इसका सॉल्यूशन करें या ना करें, इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन सभी स्टेप के आपके जो सर्किट डायग्राम है वो बनाना जरूरी होता है, क्योंकि सर्किट डायग्राम को ही चेक किया जाता है कि जो आपने नेक्स्ट जो सॉल्यूशन लिया है वो किस तरह से लिया है, वो चीज़ देखा जाता है। तो हमने इन दोनों को तो एज इट इज लिख बना दिया और इसको हमने करंट सोर्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको करंट के सोर्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 2/4 मतलब 0.5 एम्पियर करंट आ जाएगा, और जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है वो इसके पैरेलल में लग जाएगा। तो 1-4 ओम का पहले से लगा था और ये भी पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो करंट सोर्स मिल गए और दो यहाँ पर आपके रेजिस्टेंस मिल गए जो कि पैरेलल में है। इसी प्रकार से इसको भी आप करंट सोर्स में कन्वर्ट करिए और इसको भी आप करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जब दोनों को करंट सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो इसको करोगे तो 6/3 तो 2 एम्पियर इसके लिए आ जाएगा और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस 3 ओम आ जाएगा, 2 एम्पियर और पैरेलल में रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया है। ठीक है, इसके बाद में जब इस वाले सर्किट को करंट सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 3/1 मतलब 3 एम्पियर आ जाएगा और इसी के पैरेलल में इसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम का। तो इस तरह से आपका ये सर्किट बन जाएगा। आई होप आपको ये सर्किट क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट सोर्स दोनों पैरेलल में है आपस में, देखिए करंट सोर्स दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इन दोनों करंट सोर्स को डायरेक्शन भी सेम है, तो आप इनका दोनों टोटल ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से 0.5 1 एम्पियर आपको करंट मिल जाएगा और इसको पैरेलल में रेजिस्टेंस को हम सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा फॉर्मूला होता है 1/R=1/R1+1/R2, या फिर मैंने शॉर्ट में बताया था कि R=R1×R2/R1+R2, यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं तो आपका आ जाएगा 4×4/4+4, तो आ जाएगा 16/8, तो यहाँ से आपको 2 ओम आंसर यहाँ से मिल जाएगा। जब आप इनको पैरेलल में सॉल्व करोगे 4-4 ओम को, तो यहाँ से 2 ओम मिल जाएगा। इनको आप पैरेलल में सॉल्व करोगे 1/3+1/1 और इसको सॉल्व करोगे तो आपको 0.75 ओम रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखो, अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अलग अलग है, 3 एम्पियर ऊपर
और 2 एम्पियर नीचे, तो इनमें आपस में घटा दीजिए तो ये आपको 1 एम्पियर का करंट मिल जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से अब आप इसको क्या कर सकते हो, अब इसको डायरेक्ट आप सीरीज में तो जोड़ नहीं सकते हो, सीरीज में तो हमको पता नहीं है क्योंकि हम तो पढ़ा ही नहीं है कि करंट सोर्स को कैसे जोड़ते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा कि हम अब इन ये दो करंट सोर्स हैं, ये दो ये करंट सोर्स के साथ में ये पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा और ये भी करंट सोर्स के साथ में पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आप इनको सबसे पहले इसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको वोल्टेज सोर्स में करेंगे तो करंट इनटू रेजिस्टेंस तो आ जाएगा 2 वोल्ट, और जो भी पैरेलल में लगा होता है रेजिस्टेंस उसको हम सीरीज में लगा देते हैं इस तरह से। फिर इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 0.75 वोल्ट आ जाएगा, और इसके बाद में इसके सीरीज में ये सेम रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो इस तरह से सर्किट बन जाएगा। अब हमको पता है कि हम सीरीज में वोल्टेज सोर्स को आसानी से जोड़ सकते हैं, तो इसको जोड़ोगे प्लस माइनस, मतलब कि देखो माइनस और प्लस से जुड़ा है, मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो देखो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स आ जाएगा 2.75 वोल्ट। हम इन दोनों वोल्टेज सोर्स को जोड़ दिया है क्योंकि अलग अलग साइन के साथ में जुड़ा है, जब अलग अलग साइन के साथ में इनके टर्मिनल्स जुड़े होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हम टोटल वोल्टेज को जोड़ देते हैं, दोनों वोल्टेज सोर्स को जोड़ देते हैं, और रेजिस्टेंस भी सीरीज में है तो सीरीज में डायरेक्ट रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, R=R1+R2+R3 आपने देखा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको मिल गया है करंट वोल्टेज सोर्स। अब इसको लास्ट में आपके क्वेश्चन बोला था कि एक सिंगल करंट सोर्स के रूप में आपको नेटवर्क को कन्वर्ट करना है, तो आप इसे सिंगल नेटवर्क में कन्वर्ट कर दीजिए, सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या करोगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो 1 एम्पियर आ जाएगा और ये जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में आपके कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस छोटे से सर्किट को, इस बड़े से सर्किट को एक सिंगल सर्किट के रूप में, सिंगल करंट सोर्स के रूप में हम इसको कन्वर्ट कर दिया जिसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको क्लियर होगा कि हमने इसको एज इट इज बना दिया और इसको हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट किया, तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करने पर जो सीरीज में रेजिस्टेंस यहाँ वोल्टेज सोर्स के लगा था वो पैरेलल में आ जाता है। इसी प्रकार से इनको भी हमने कन्वर्ट किया ताकि हम वोल्टेज करंट सोर्स को आपस में पैरेलल कर सकें, ताकि हम इनको जोड़ने या घटाने का काम कर सकें। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है कि वन बाय वन क्या हो करना है कि हमें नेटवर्क को रिड्यूस करना है, छोटा से छोटे बनाना है। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कन्वर्ट द गिवन फिगर्स टू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद वन ऑफ द एलिमेंट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पर बोलता है कि आप एक वोल्टेज सोर्स के रूप में इसे कन्वर्ट कीजिए जिसके सीरीज में एक एलिमेंट लगा हो। ठीक है, एक रजिस्टर लगा हो। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं आगे हम यहाँ पर देखेंगे, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम था। इसको आप देखो, ये ऑलरेडी ये हम पैरेलल में कभी भी वोल्टेज सोर्स को सॉल्व नहीं कर पाते, यदि पैरेलल में करंट सोर्स होता है तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको भी करंट सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको पैरेलल में करंट सोर्स हो जाएगा, तो आप उसको जोड़ने या घटाने का काम कर सकते हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको हम इस चीज को क्या करेंगे कि कन्वर्ट कर देंगे करंट सोर्स में, तो इसको जब करंट सोर्स में करोगे तो 6/2 मतलब 3 एम्पियर करंट आ जाएगा, और माइनस से प्लस, ये प्लस इधर जा रहा है प्लस बाहर, तो ये इधर इस डायरेक्शन में प्लस की ओर आपका करंट की डायरेक्शन दे दोगे, और जो इसके सीरीज में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है उसको आप यहां पर रेजिस्टेंस लगा दोगे। इसी प्रकार से इसको भी आप करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको क्या करोगे, करंट सोर्स में करने के लिए V/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट की वैल्यू निकल जाएगी 3 एम्पियर, माइनस और प्लस, प्लस इस साइड में है तो इसी बाहर की ओर इधर आपको डायरेक्शन दिखा देना है, और इसी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना, तो ये सर्किट ये ऊपर वाला बन गया। इसी प्रकार से आप इनको भी करंट सोर्स में कन्वर्ट करिए, इसको भी आप करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई क्या करोगे, I=8/2 तो आ जाएगा 4 एम्पियर, ये हमने इसको कन्वर्ट किया तो 8/2 कितना आ जाएगा 4 एम्पियर, और इसी के पैरेलल में ये रेजिस्टेंस आपका लग जाएगा 2 ओम का। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। इसके बाद इसको अब हम करंट सोर्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे ही हम करंट सोर्स के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि देखिए ये 6 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस है, तो 6/ मतलब कि वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 6/1 तो आ जाएगा 6 एम्पियर। अब ये माइनस ऊपर और नीचे प्लस है, तो ये नीचे की ओर करंट की डायरेक्शन आपको ले लेना है, और इसी के पैरेलल में एक ये वाला रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देना है। तो इस प्रकार से आपने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में यहाँ कन्वर्ट किया, और इस वोल्टेज सोर्स को भी यहाँ पर आपने करंट सोर्स में कन्वर्ट किया। हम करंट सोर्स में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि ये पैरेलल सर्किट था,
पैरेलल सर्किट में करंट जो होता है हमारा पैरेलल में क्या होता है, ऐड हो जाता है या घटा देते हैं, जबकि वोल्टेज को हम पैरेलल में घटा या जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर दो करंट सोर्स हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को टोटल ऐड कर दो तो आ जाएगा 6 एम्पियर। इसके बाद दो रेजिस्टेंस हैं 2 और 1 के, इनको आपस में पैरेलल सॉल्व करोगे 1/R + 1/R, तो इनको दोनों को जोड़ोगे और फिर इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो आर की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 0.666, मतलब 2 × 1 मतलब 2/3 आएगा, 2/3 को सॉल्व करोगे तो 0.666 ओम आ जाएगा। इसी प्रकार से अब इनकी डायरेक्शन देखो, अपवर्ड और ये डाउनवर्ड है, अलग अलग डायरेक्शन है करंट की, तो इसको करंट सोर्स को इस बड़े वाले से घटा दोगे तो 6 − 4 करोगे तो डाउनवर्ड बड़े वाले की डायरेक्शन नीचे की ओर है तो नीचे की ओर ले लेंगे 2 एम्पियर। 6 में 4 हमने घटा दिया, क्यों घटाया, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। और इसके पैरेलल में इन दोनों को पैरेलल सर्किट सॉल्व कर लीजिए, 2 ओम और 1 ओम को पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे तो एक सिंगल रेजिस्टेंस जो कि करंट सोर्स के आपके पैरेलल में लग जाएगा, जिसकी वैल्यू 0.66 ओम है। अब इसको क्या करोगे, क्वेश्चन में बोला है आपके कि वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, इसको वापस वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि अब देखो ये सर्किट सीरीज में होने वाले हैं, सीरीज में हमको पता है कि जो हमारा करंट सोर्स होता है वो ऐड नहीं होता है, ठीक है, सीरीज में करंट सोर्स नहीं आना चाहिए डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे वोल्टेज सोर्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे और इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो देखो ये सीरीज में इस तरह से आपको मिल जाएगा, सीरीज हो गया। सीरीज में आप वोल्टेज को जोड़ दीजिए और करंट को मतलब रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए तो आपको सिंगल वोल्टेज सोर्स के रूप में इस तरह से मिल जाएगा, और यही आंसर था। इसको हमने एक्स्ट्रा आंसर यहाँ तक कर दिया है, पर इसका आंसर यहीं तक था, बोला है कि सिंगल वोल्टेज सोर्स वाला जो आंसर है ये फाइनल हो जाएगा। आप अगर आगे बोलता है तो आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल करेंट सोर्स में विद पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट द फॉलोइंग सर्किट इनटू अ सिंगल वोल्टेज। ये सर्किट है, ये बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, बहुत इजी सर्किट है, ठीक है। इसको बोला गया है कि एक सिंगल किसके रूप में, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स के रूप में इसे कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, जिसके पैरेलल में एक जिसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम था, ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पर आप देखें कि देखो सब पैरेलल पैरेलल में दिख रहा है, तो आप ज्यादा अच्छा होगा कि सारे जो आपके वोल्टेज सोर्स में हैं उनको भी करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दो, ताकि पूरे करंट सोर्स आपस में पैरेलल में हो जाएं और पूरे रेजिस्टेंस भी आपस में पैरेलल में हो जाएं, फिर हम उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी वोल्ट करंट सोर्स था, इसको रहने दीजिए। ये देखो वोल्टेज सोर्स है, इसको आप करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, और बाकी चीजें ऑलरेडी करंट सोर्स पैरेलल में कनेक्टेड है पूरे रेजिस्टेंस, तो ये ऑलरेडी ऐसा था। और हमने इसको कन्वर्ट किया किसमें, करंट सोर्स में, तो इसमें क्या होता है बेटा कि 10/2, तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 5 एम्पियर की करंट आ जाएगी, तो इसका ब्रांच यहाँ लगा दिए और इसी के पैरेलल में जस्ट ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में कन्वर्ट लगा दिया है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि जो भी आपका ये करंट सोर्स था, ये जो करंट सोर्स था, इसको हमने यहाँ पर वोल्टेज ये वोल्टेज सोर्स है, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, तो हमने यहाँ पर करंट सोर्स के रूप में इसे कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद में एज इट इज देखो, ये चाहे यहाँ से कनेक्टेड रहे ऐसा, चाहिए ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड है, इससे कोई मतलब सेम ही चीज है, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे आप ऊपर डायरेक्ट कनेक्ट कर दो या फिर आप इस तरह से कनेक्ट कर दो, सेम चीज ही है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट पाथ है पूरा। तो यहाँ से आप देखेंगे इस तरह से पूरा कनेक्ट कर लिया, 3 करंट सोर्स हैं, तीनों करंट सोर्स की जो डायरेक्शन है अपवर्ड है, मतलब तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, और आपके यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस है, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5, तो इस तरह से टोटल निकालोगे तो आपको जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ से ये आएगी, आप कैलसी में सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको ये सिंगल करंट और सिंगल वोल्टेज के रूप में यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंगल वोल्टेज मतलब एक सिंगल करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस के साथ में सर्किट मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि वोल्टेज सोर्स के रूप में आप कन्वर्ट कीजिए, सिंगल वोल्टेज सोर्स के रूप में आप कन्वर्ट कीजिए, तो सिंगल वोल्टेज सोर्स के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सर्किट हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, तो इसके बाद में हम इसको करंट सोर्स के वोल्टेज सोर्स के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है।
ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेंट फॉलोविंग थ्रू 6 ohm रेजिस्टेंस यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक फॉर द सर्किट शोन इन बिलो। बोला गया है बेटा कि जो आपका 6 ओम का प्रतिरोध है, मतलब इस सर्किट में इस ब्रांच में करंट का की वैल्यू को फाइंड आउट करो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। ठीक है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का आप यूज करके क्या करेंगे, आपको इस ब्रांच में 6 ओम के प्रतिरोध में होने वाले करंट की वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये आपका 6 ओम का प्रतिरोध है, इसमें आपको फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये सर्किट आपका गिवन है, चलो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ये मैंने इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन गिवन था, ये जो क्वेश्चन गिवन था ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ से ये नीचे, ये वाला प्रॉब्लम, ये नीचे जाओगे हाँ, बाजू वाला बाद में उसका ये है। इसके बाद में क्या करोगे आप, इसको देखो ये आपको सीरीज में यहाँ पर ये कनेक्टेड है, तो आप इसको पहले कन्वर्ट कर लो आप वोल्टेज सोर्स के रूप में। तो यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया, 5 नहीं 15 वोल्ट, और इसके सीरीज में 3 ओम लग गया, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस लग गया है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर ये एक तरह से सीरीज में लगा हुआ है बेटा, ध्यान देना ये सीरीज हो गया, पूरा सर्किट सीरीज में है, पैरेलल नहीं बोलोगे कि ये पैरेलल है, ये पूरा सर्किट सीरीज में हो गया। यहाँ से दोनों को जोड़ दोगे तो आपको जोड़ना नहीं है, क्योंकि 6 ओम के लिए बोला है ना बेटा, तो 6 ओम रहने दो आप, क्योंकि वो बोला है कि 6 ओम में फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू बताइए, तो इसको नहीं जोड़ना है, ये आपस में जुड़ जाएंगे सीरीज में, प्लस प्लस आपस में है। तो आप क्या करोगे, 15 में से 10 घटा दोगे, तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स बच जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, अब इस तरह से करंट फाइंड करना है, यहाँ से इस डायरेक्शन में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि कितनी करंट फ्लो हो रही है V/R से। V कितना है, 5 वोल्ट है, और जो R कितना है, यहाँ पर 6 + 3 9 है, तो यहाँ से आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी 0.55 एम्पियर। तो 6 ओम के रेजिस्टेंस में भी, यहाँ पर आपका जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें भी कितनी करंट फ्लो होगी, 0.55 एम्पियर। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि कोई सीरीज सर्किट है तो सभी जगह करंट का मान समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 0.55 एम्पियर करंट मिल जाएगी। मतलब कि सबसे पहले हमने इसको रहने दिया, इसको, इस वाले को हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर ये दोनों सीरीज में जो हमारे वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड थे उनको हमने आपस में जोड़ घटा दिया। ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस दोनों सेम साइन के साथ में कनेक्टेड थे, और तो यहाँ पर 5 वोल्ट मिल गया। अब 5 वोल्ट से टोटल रेजिस्टेंस से हम यहाँ पर करंट निकाल लेंगे इस ब्रांच में। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है, By using source transformation, find the current in 3 ohm resistance for the circuit shown in below. ठीक है, बोला गया है कि जो 3 ohm का प्रतिरोध है, मतलब कि ये, इसमें बहने वाली करंट का मान बताइए, किसका उपयोग करके, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके। ठीक है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके आपको यहाँ पर करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इनमें ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमको पता है कि जब हम कैसे हम वोल्टेज सोर्स को कैसे कनेक्ट, मतलब कब हमको जरूरत होती है करेंट सोर्स में कन्वर्ट करने की, कब हमें जरूरत होती है वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने की, वो हमें सर्किट देखकर पता चलता है। सर्किट को देखकर हमको पता चलता है कि हमें क्या करना है। देखो यहाँ पर करेंट सोर्स है, तो करेंट सोर्स है, हम यहाँ पर अगर वोल्टेज सोर्स को करेंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो पैरेलल में आपके करेंट सोर्स आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, तो उसी को यहाँ पर हम अपनाते हैं, उसी चीज को हम यहाँ पर अपना लेंगे। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, यहाँ पर आपने इसको वोल्टेज को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आप देखोगे
आपको मिल जाएगा 3 एम्पियर करंट, और इसकी के सीरीज में लग जाएगा, इसके पैरेलल में, मतलब इसके पैरेलल में आपको 2 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा। इनको आप सॉल्व करोगे, पैरेलल में है तो आपको यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको क्या करना है कि अब इसको वापस देखो, अब इसको क्या करोगे, यहाँ पर एक सिंगल प्रतिरोध में कन्वर्ट हो गए ये वाले, अब इसको वापस वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि अभी सॉल्व कुछ नहीं हो रहा है। आप ये पैरेलल समझ के ये नहीं कि ये जोड़ दोगे, अभी नहीं जोड़ सकते आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है जो कि सीरीज में लगा हुआ है। तो इस केस में आप डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ नहीं सकते हो, जब ऊपर कोई भी एलिमेंट नहीं लगा होता तो आपस में डायरेक्ट जुड़ जाते, ठीक है। तो हमको अब क्या करना, अब इसको वापस आपको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना, ताकि इसके साथ में सीरीज हो जाए। तो देखिए, हमने इसको वापस वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये सीरीज में हो गया। इनको अब दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब दोनों को जोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, फिर से वापस करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर देखो, ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा, ये रेजिस्टेंस यहाँ हट गया, क्योंकि हमने पूरा जोड़ के वापस हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। करंट सोर्स में जैसे ही हमने कन्वर्ट किया है, तो फिर से ये पैरेलल हो गया। अब ये पैरेलल हो गया, ये वाला सर्किट, इतना सर्किट। अब इसको दोनों को आपस में करंट सोर्स को आप जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे, ठीक है, जब दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपको यहाँ से ये आंसर मिल जाएगा। ये आपने जोड़ दिया। अब इसमें बोला था बेटा कि आपको 3 ओम की रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, तो करंट यहाँ से गया, 2 भागों में डिवाइड हो गया, I1 और I2। हमें पता है वोल्टेज डिवीजन रूल, मैं तो आपको बता दूंगा कि वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, सॉरी करंट डिवीजन रूल क्या होता है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमको इस ब्रांच में करंट फाइंड करना होता है, इस ब्रांच में करंट फाइंड करना होता है, तो टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल, दोनों का जोड़ देते हैं, ठीक है। इस ब्रांच में हमको करंट फाइंड करना, कुछ इस तरह सर्किट दिया हुआ है, इस ब्रांच में करंट फाइंड करना है, तो क्या करना होता है कि I1, ये दोनों करंट तो हम जो दोनों को रेजिस्टेंस को हम पहले ही जोड़ देंगे, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस माना जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो हम डायरेक्ट पहले ही जोड़ देंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि I = टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई इसके अपोजिट का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ से आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी इस ब्रांच में करंट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया था कि गिवन सर्किट में 3 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, तो वो होगा 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो कितना होगा, 2 एम्पियर का करंट आपका फ्लो होगा, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, कन्वर्ट द नेटवर्क शोन इन फिगर इनटू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द सिंगल रजिस्टर। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि आपको सिंगल वोल्टेज सोर्स के रूप में कन्वर्ट करना है। तो देखेंगे हमने क्या किया कि देखो, ये सीरीज में हो रहे हैं, ये तो पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, लेकिन ये सॉल्व नहीं होंगे। तो क्या करोगे आप, हमेशा ध्यान दो, एक रूल मैंने थोड़ी देर पहले बताया था प्रीवियस क्लास में, कि जब वोल्टेज सोर्स बेटा और करंट सोर्स आपस में पैरेलल में जुड़े होते हैं, तो उस केस में जो रिजल्टेंट आता है वो वोल्टेज आता है, करंट सोर्स ओपन हो जाता है, ठीक है। और जब करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स जब आपस में सीरीज में जुड़े होते हैं, तो रिजल्टेंट करंट सोर्स आता है, जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, उसको हम रिमूव करके शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। इस चीज का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखोगे कि जब करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स आपस में डायरेक्टली पैरेलल में होते हैं, तो रिजल्टेंट वोल्टेज सोर्स आता है, हम करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, हटा देते हैं। और जब करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स आपस में सीरीज में होते हैं, तो रिजल्टेंट करंट सोर्स आता है, फिर हम जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है, उसको एक कंडक्टर से जोड़कर शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इतना चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको देखो, ये रिमूव हो गया, क्योंकि दोनों करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स हैं, तो ये रिमूव हो जाएगा, केवल रिजल्टेंट आपका पैरेलल में है, इसलिए आपका रिजल्टेंट सिर्फ क्या बचेगा, आपका एक प्रति क्या बचेगा यहाँ पर, रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स बचेगा। तो ये वोल्टेज सोर्स बचा अब, और ये सर्किट बचा है। अब ये इसको आप पैरेलल में सॉल्व कर लो, मतलब पैरेलल का मतलब है कि आप इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दो, तो आपको इस तरह से सीरीज में आपको वोल्टेज मिल जाएंगे, वोल्टेज सोर्स। अब दोनों वोल्टेज सोर्स को आप जोड़ दीजिए और ये प्रतिरोध आपके सीरीज में आ जाएगा। इसको आप क्या करोगे, इसको आप फिर से
किसमें कन्वर्ट कर लोगे, करेंट सोर्स में, और यही बोला गया था कि उस नेटवर्क को, गिवन नेटवर्क को आप करेंट सोर्स में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इसी में, मतलब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि ये गिवन नेटवर्क है, गिवन नेटवर्क में क्या करेंगे, रिड्यूस द नेटवर्क शोन इन फिगर टू सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद सिंगल एलिमेंट, ठीक है। तो आपको इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। इसमें देखिए ये तो नॉर्मल है, इसको आप करें वोल्टेज सोर्स में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन इसको क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्यों, इसके जस्ट पैरेलल में होता तो चल जाता, लेकिन इसके सीरीज में एक प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है। तो इस केस में क्या होता है, एक तीसरा रूल नंबर थर्ड यहाँ पर याद रखो। देखो रूल नंबर वन क्या था कि जब वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आपस में सीरीज में जुड़े होते हैं तो रिजल्टेंट जो होता है करंट सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जबकि जब वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आपस में पैरेलल में होते हैं तो रिजल्टेंट हम वोल्टेज देते हैं, करंट को ओपन सर्किट कर देते हैं। इसी प्रकार से जो रूल नंबर थर्ड है, जब करंट सोर्स और रजिस्टर के साथ में सीरीज में जुड़ा हो, जब करंट सोर्स रजिस्टर के साथ में सीरीज में जुड़ा हो तो उस समय आपका रिजल्टेंट करंट होता है और इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इसको रिमूव करके यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो इसको हमने इसका ये एक डमी रजिस्टेंस है, इसकी कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं कि शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको शॉर्ट कर दिए तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टेंस, सॉरी एक आपको जो यहाँ पर क्या था करेंट सोर्स था वो बचता है, बाकी डमी रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं। अब इसको आप फिर से कन्वर्ट कर लीजिए वोल्टेज सोर्स में, इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप वोल्टेज सोर्स में, दो वोल्टेज सोर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे और दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे। इन दोनों को आप क्या करोगे, सेम मतलब साइन के साथ में जुड़े हुए हैं, माइनस माइनस से जुड़े हुए हैं, तो आप घटा दीजिए बड़े वाले से छोटा वाला तो 7 वोल्ट आ जाएगा, और इन दोनों को रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ दो तो 7 ओम आ जाएगा, ठीक है। और इसको वापस आप करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिए तो वैसे आंसर इतना ही पूछा गया था, चाहे तो आप इसको करंट सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 7 डिवाइडेड बाई 7, तो 1 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा और ये 7 ओम का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में हो जाएगा। ये कैलकुलेशन सारे किए गए हैं यहाँ पर, जो भी छोटे छोटे मैंने आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन बताया हूँ वो यहाँ पर किए गए हैं, तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद में हम आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आपको। देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल सर्किट है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है रिड्यूस द नेटवर्क ऑफ फिगर इनटू एन इक्विवेलेंट नेटवर्क अक्रॉस ए बी विद वन इक्विवेलेंट करेंट सोर्स, ठीक है। तो बोला गया है कि ये जो आपको दिया गया क्वेश्चन, इसको एक इक्विवेलेंट करेंट सोर्स के रूप में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको इस सर्किट को करंट सोर्स के रूप में कन्वर्ट करना है, सिंगल करंट सोर्स के रूप में। तो देखो ये सर्किट है, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, आपके फिगर दिया हुआ है इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। देखो पैरेलल में यदि पूरे क्या होते हैं, करंट सोर्स कनेक्टेड होते हैं, तो हम नॉर्मली जल्दी से उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी आप करंट सोर्स में, आप इस वाले ब्रांच को, ये जो ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले ब्रांच को आप क्या करोगे, इस ब्रांच को करेंट सोर्स के रूप में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप इसको करेंट सोर्स के रूप में कन्वर्ट करोगे तो सारे करेंट सोर्स आपस में पैरेलल में हो जाएंगे और रेजिस्टेंस भी पूरे पैरेलल में हो जाएंगे। तो पूरे रेजिस्टेंस को 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 से आप उनको सॉल्व कर लेंगे और आप जो हमारे तीनों करेंट सोर्स होंगे उनको आपस में जोड़ने या घटाने का काम करोगे उसके साइन के अकॉर्डिंग। तो देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे 1 एम्पियर और 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर जो है वो नीचे की ओर जा रहा है तो आप उससे घटा दोगे, तो 5 एम्पियर में से 3 एम्पियर को आप माइनस कर दोगे तो आपको 2 एम्पियर मिल जाएगा, और डायरेक्शन 5 एम्पियर वाले की नीचे है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है आप नीचे की ओर डायरेक्शन ले लोगे। और इनका तीनों को सीरीज में करोगे, 2 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस और 6 ओम रेजिस्टेंस, तो इनकी वैल्यू जब 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करके सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 1 ओम मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये दोनों को आपस में घटा दीजिए, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो 2 एम्पियर और 1 एम्पियर को आपस में आप माइनस कर देंगे तो यहाँ से 1 एम्पियर मिल जाएगा, और जो डायरेक्शन है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ले लेना है। इसके बाद इन दोनों दो ओम की रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 ओम का रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। इसको आपस में सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको वोल्टेज सोर्स में, सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको फिर से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया, 2 वोल्ट और 1 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में, फिर इसका 1 वोल्ट आ जाएगा और 1 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में। इनको आपस में दोनों को जोड़ दोगे वोल्टेज सोर्स को,
घटाने का काम करना होगा क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस से, प्लस प्लस से जुड़ा है, दोनों सेम साइन है, तो आपको यहाँ 1 वोल्ट और आपको इन दोनों को जोड़ दोगे सीरीज में है तो रेजिस्टेंस तो 2 ओम आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा। इसको फिर आप वापस कन्वर्ट कर दीजिए करेंट सोर्स में, तो आपको यहाँ से ये फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि करेंट सोर्स में एक सिंगल करेंट सोर्स के रूप में आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।